टाटा अपनी पहली नेक्सन को 2017 में लॉन्च करती है। ये टाटा की पहली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी थी। नेक्सन ने टाटा को नई पहचान दिलाई थी। इस गाड़ी ने न जाने कितने ही अवार्ड्स जीते हैं एंड कितनी ही बार ये नंबर वन सेलिंग कार रही है। और अब लगभग 6 साल और लगभग 5 लाख यूनिट बेचने के बाद टाटा इसका फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रहा है। तो क्या ये टाटा नेक्सन का फेसलिफ्ट अभी पहले जैसी ही बादशाहत रख पाएगा? अगर आपको ये जानना है तो ये आप मेरी वीडियो पूरी देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन से कॉस्मेटिक चेंज हुए हैं, क्या न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं और क्या इसके इंजन और गियरबॉक्स में कुछ बदलाव हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। एक्सटीरियर में हम शुरू करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको अब काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। इसमें बिल्कुल फ्रेश न्यू बम्पर मिलता है जो कि इसको पहले वाली नेक्सन से बिल्कुल डिफरेंट लुक देता है। इसमें आपको हेडलाइट की पोजीशन भी चेंज मिलेगी जो कि अब नीचे की तरफ प्लेस कर दी है। एंड ऊपर की तरफ आपको सिक्वेंशियल DRL देखने को मिलते हैं जिसमें आपको जो है इंडिकेटर भी देखने को मिलेंगे। डबल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे जिसका थ्रो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड इसको ऐसी जगह प्लेस किया गया है जिसमें आपको जो है फॉग लैंप की कमी महसूस नहीं होगी। और वहीं ब्लैक पियानो फिनिश में टाटा की सिग्नेचर स्माइल ग्रिल इसमें आपको मिलती है। साइड में से बस अगर न्यू व्हील हटा दो तो ये वही पुराने वाली नेक्सन दिखती है। इसमें आपको साइड में न्यू 16 इंच के डायमंड कट अलॉय देखने को मिलेंगे और इसके अलावा इसमें आपको ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। पीछे की तरफ इसमें आपको न्यू डुअल टोन बम्पर देखने को मिलता है। LED टेल लाइट मिलती हैं जो कि एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक कनेक्ट हैं। न्यू स्पॉइलर भी इसमें आपको देखने को मिलता है। रियर वाइपर एंड डिफोगर भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। आगे और पीछे से इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं जिससे ये काफ़ी फ्रेश प्रोडक्ट लग रही है और लोगों को भी पसंद आ रही है। अंदर से ये आपको काफ़ी बेहतरीन फील करवाने वाली है। इसके अंदर आपको 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। वहीं इसके अंदर आपको 10.2 इंच का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है और ये स्टीयरिंग आपको टाटा सियेरा की याद दिला सकता है। स्टीयरिंग पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और टाटा ने इस बार कुछ अलग थीम करने की कोशिश की है। इसके अंदर आपको जो है ब्लैक एंड पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन का इंटीरियर देखने को मिलेगा। इंजन में आपको इसके अंदर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर वही पहले वाला 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा एंड 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी। बट जो न्यू मिलेगा वो है इसका 7 स्पीड का DCT जिसको टाटा DCA बुलाता है और ये DCA पैडल शिफ्टर के साथ आएगा। इसके अंदर आपको ड्राइविंग मोड मिलेंगे जो इसको ड्राइव टू फन बना सकते हैं कई सिचुएशन में। एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको 208 mm का मिलता है जो कि खराब रास्तों पर काफ़ी काम आएगा। इस बार टाटा ने फीचर्स में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। ऑल LED हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स। ड्राइविंग के लिए आपको 3 मोड मिल जाते हैं, इको सिटी स्पोर्ट्स, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, वॉइस असिस्ट, इलेक्ट्रिक सनरूफ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले जैसे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन टाटा ने एक फीचर्स ऐसा ऐड किया है जो लोगों का दिल खुश कर देगा। इसमें आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं एंड जिस तरह से इंडिया में गर्मी पड़ती है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ड्राइवर्स के लिए और को ड्राइवर्स के लिए। 1.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है विद 8 JBL स्पीकर्स। इसके बाद कुछ फीचर्स की लिस्ट आपको जो है स्क्रीन पर दिख रही होगी। तक कंपनी ने इसका प्राइस अनाउंस नहीं किया है। जिस दिन भी कंपनी इस गाड़ी के प्राइस लॉन्च कर देगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और टाटा इसको सितंबर के महीने में ही लॉन्च करेगी और बाकी इसके अंदर कौन से वेरियंट मिलते हैं और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उनमें वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बस यही थी आज की वीडियो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।